साइड बायोलॉजी क्लासेस आई एम डॉक्टर शिल्पी कुमारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ओके, नाउ टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द रिलेटेड टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड, जिसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। तो उसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू टूडेज सेशन आई वुड लाइक टू जस्ट रिकॉल ऑल द थिंग्स जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है। ओके, एक स्मॉल रिकैप शुरू करती हूँ। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने जाना व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, what are the characteristic features are basically present in the living organism, what is the defining properties, kaun se properties ko hum log defining properties kahenge, to defining properties ke bare mein hum logo ne jana tha jo exclusively, that means ye sare ke sare living organism mein present hoga, to use hum kehte hain defining properties, right? fir hum logo ne dekha what is biodiversity, in biodiversity टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा? बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में हम लोगों ने देखा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एंड एज यू नो अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो इतने सारे वेरियस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। तो फिर नीड पड़ा टैक्सोनॉमी का, हम लोगों ने जाना व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द बेसिक मेथड इन्वॉल्व्ड इन द टैक्सोनॉमी प्रोसेस। So, उसमें हम लोगों ने देखा था कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सभी बातों पे हम लोगों ने बात ढेर सारी बातें करी थी। नाउ उसके बाद हम लोगों ने देखा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जो कि 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम लोगों ने देखा था। और वो जो 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज थे वो अगर लोअर टू हायर हम बात करें तो वो क्या था स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिविजन फॉर प्लांट्स एंड देन किंगडम। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए लोअर टू हायर, एकदम बिल्कुल इसी मैनर में, इसी सीक्वेंस में आपको माइंड में रखना है, तो आपका होगा स्पीसीज टू किंगडम। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है और क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम हायर टू लोअर, तो आप किंगडम से स्टार्ट करके स्पीसीज तक आते हो। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। देन उसके बाद डोमेन के बारे में हम लोगों ने जाना कि डोमेन्स क्या है, किसने इसको प्रपोज किया, कार्ल हूस के ये जो 3 डोमेन्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था डोमेन्स में, हम लोगों ने देखा था आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया। एज यू नो आर्किया में सारे के सारे आर्कियो बैक्टीरिया को रखा गया था, आर्की बैक्टीरिया जितने भी हैं, ऑल टू ऑल आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया को इस डोमेन में रखा गया। जितने ट्रू बैक्टीरिया थे वो यू बैक्टीरिया में आ गया, और ऑल टू ऑल यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहां प्लेस्ड हुए, कहां हुए, डेफिनेटली यू कैरिया में हुए। एज यू नो इन माई प्रीवियस लेक्चर और जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए थे, लाइक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो वन बाय वन ग्रेजुअली आपने कवर किया जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, द लिविंग वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमिकल एड्स, साथ ही साथ फाइलोजेनी को भी देखा। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोगों ने क्या देखा? टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि हेल्पिंग टूल्स जो कि आपके टैक्सोनॉमी की स्टडी को इजी बनाता है, तो उसमें हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक वो टैक्सोनॉमिकल टूल जो कि विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन जाना जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स थे उसमें हमने क्या देखा? उसमें हम लोगों ने देखा कि हार्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम एंड की, दीज ऑल आर बेसिकली, ये जितने भी थे वो टैक्सोनॉमिकल टूल्स थे। और वो कैसे जाने जाते हैं? तो ये विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन से जाने जाते हैं, यानी कि ऐसा टैक्सोनॉमिकल टूल और ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड्स
जो कि विद द हेल्प स्पेसिमेन जाना जाता है, राइट। दूसरा हमने देखा टेक्सोनोमिकल एड्स इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिमेन, जहां स्पेसिमेन का कोई रोल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन अलग ही फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था फ्लोरा, देन मैनुअल, मोनोग्राम एंड कैटलॉग। तो द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक में हम लोगों ने इतनी सारी बातों को देखा, और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज पे रिलेटेड टू दिस टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे काफी बेनिफिटेड हो। इसमें बहुत सारे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नाउ लेट्स कम द फर्स्ट क्वेश्चन इज हर्बेरियम इज, ये मैंने पढ़ा रखा है। हाँ बिल्कुल, आपको रिवाइज भी कराया, आपने इसको अच्छे से देखा होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको आ गया होगा। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज अ गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, बी अ गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट आर ग्रोन, सी ड्राई गार्डन, डी केमिकल टू किल प्लांट्स। व्हाट विल बी द आंसर? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, जहां क्या होता है जितने भी प्लांट्स है उसको ड्राई करके रखा जाता है जस्ट सेट फॉर देयर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, और इसके साथ उसमें अटैच्ड एक सीट होता है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक उस प्लांट का नाम, कहां से उसे कलेक्ट किया गया, किसने कलेक्ट किया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या, ऑल थिंग्स उस सीट में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ड्राई गार्डन। सो द राइट आंसर इज सी ड्राई गार्डन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन इज नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, बी सौरोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी, डी इस्थियोलॉजी। एज यू नो हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सौरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजर्ड, टैक्सोनॉमी, यस टैक्सोनॉमी में हम लोग प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो टैक्सोनॉमी इज द राइट आंसर। वेयर एज द डी ऑप्शन इज इस्थियोलॉजी, एज यू नो इस्थियोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द फिशेस। So, the right answer is taxonomy. C will be the right answer. Now, third question. For higher plants, flowers are chiefly used as a basis of classification because. Very interesting. For higher plants, yani angiospermic plant ki baat ho rahi hai. For higher plants, flowers are chiefly used as a basis of classification. Flower ko bahut hi chiefly use kiya jata hai basis of classification ke liye. Because first option is A. These show a great variety in colors. Baat kuch nahi bani. B. It can be preserved easily. Flower ko easily preserve kar sakte hain isliye. C. Reproductive parts are more conservative than the vegetative part. Yeah, exactly. The right answer is C. And the fourth one is they have a strong fragrance. No. So the right answer is reproductive parts are more conservative than vegetative parts. Now fourth question. The most convenient way for easy identification of plants and animals by applying diagnostic feature is use of herbarium. हर्बेरियम में हम तो ड्राई प्लांट्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट कन्वीनियंट वे टू इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स, डायग्नोस्टिक फीचर्स। सो यूज ऑफ टैक्सोनॉमिक की, नन अदर देन द राइट आंसर इज टैक्सोनॉमिक की।
Now, the fifth question, classification system have many advantages. Which of the following is not a goal of biological classification? Question pucha ja raha hai, not a goal of biological classification. Jab bhi aap question solve karo, to ye jarur dekh lo, pooch kya raha hai. Not important goal nahi pucha ja raha hai. इसमें से कौन जो है वो गोल नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. ओके, सो लेट्स सी देयर ऑप्शंस. नाउ द ऑप्शंस आर ए टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप्स अमोंग द ऑर्गेनिज्म, सी टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट, डी टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिजम्स. नाउ अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या था. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसी पर्टिकुलर प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई मीन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका नेमिंग करते हैं. तो ये तो होगा डी, बिल्कुल सही है. सी टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट. ऑफकोर्स ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही तो क्लासिफिकेशन किस चीज में हेल्प कर रहा है, टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ट्रेट. उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमको पता चलता है, हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उससे लोग इसे समझ पाते हैं. सो नाउ बी ऑप्शन, टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप्स अमोंग ऑर्गेनिज्म. या डेफिनेटली इससे पता चलता है ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप्स के बारे में. बट टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डू यू नो वॉट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? Convergent evolution means when origin are different but their functions are same. This is said to be the convergent evolution. तो ये इससे तो कुछ relate कर नहीं रहा है. So यहाँ पे आपसे question यही पूछा गया, not a goal of biological classification. So the right answer for this question is A, to depict convergent evolution. Understand? Now sixth, first book of geology, Historia Animalium, was given by, options are Aristotle, A, B, Theophrastus, C, Karl Hus, D, Alberto del Rio. Now the right answer is, पढ़ाया हुआ है, सभी को पता है, geology में first book of geology, Historia Animalium, was given by Aristotle. Yes, बिल्कुल सही कहा. Now seven, father of Indian taxonomy. So now the options are A, Ajay Padke, B, Henry Santapau, C, Hargobind Khurana, D, Chanukya. The right answer will be, kya hoga? Definitely the right answer is Henry Santapau. Yes, ye yaad rakhiyega. Kai baar pucha hua question hai, father of Indian taxonomy. Now, question number A. Two animals belong to same kingdom but different classes. Kingdom same hai. Dhyan se sunna. Kingdom same hai but classes different hai. They may belong to the same. Kya ho sakta hai? Aap dekho, do animal hai. Koi bhi do animal jiska same kingdom hai. Suppose kingdom animalia, animalia hai. But different classes. Uske class differ kar rahe hai. तो आपको सीक्वेंस याद रखना होगा पहले कि स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. क्लास के बाद फाइलम आता है. सो दे मे बिलोंग्स टू द सेम. ऐसा हो सकता है कि वो फाइलम से सिमिलैरिटी रखता हो. सो द राइट आंसर इज ए. सीक्वेंस याद रखोगे तो आप डेफिनेटली इसको बहुत इजीली बना लोगे. सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलम. क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए. Two animals belongs to the same kingdom but different classes. Differ क्या कर रहा है? तो different कर रहा है class में. Two animals, same kingdom but different classes. Class differ कर रहा है, same kingdom में है. And they belongs to the same, definitely phylum. So the right answer is phylum. Now the column question match. इसे बहुत सारे questions आते हैं. इस बार भी 16 questions जो हैं overall सारे questions में out of 90 question में 16 questions
मैचिंग वाले थे, इसीलिए मैचिंग वाले क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप सभी कुछ जान रहे हो, तो ना तो आपका ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। इंस्टेंटली आंसर आप ऑप्शंस देख करके, अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, जैसे इस बार जितने भी क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मैचिंग वाले थे, उसमें कोई भी सेम ऑप्शन वाला नहीं था, जैसे कि A का 3 ऐसा नहीं था। तो आप जैसे स्टार्टिंग में ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि A का 2 यही होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन था, बस एक ही ऐसा ऑप्शन था, तो डेफिनेटली वही आंसर लग जाएगा। सो आप केयरफुली इसको हैंडल करना, और इसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, और बहुत ये इजी क्वेश्चन होता है। सो लेट्स सी, APD कैंडोल आपको मैच करना है, इधर साइंटिस्ट का नाम है, इधर पॉइंट द टर्म दे रखा है। सो वेरी सिंपल, APD कैंडोल कहां पढ़ाया था मैंने, जस्ट रिमेंबर, रिकॉल इट, टैक्सोनॉमी में पढ़ाया था। यस, सो A 3, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लमार्क, हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, लमार्क एंड ट्रेविरिनस। सो यहां पे लमार्क है और इधर बायोलॉजी है, तो डेफिनेटली लमार्क कहां जाएंगे, यहां। अर्नेस्ट हीकल, यस, इकोलॉजी, बेटसन, जेनेटिक्स में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। What we can see here, A 3, B 5, but C 2, but C क्या होगा, 1, तो first option तो आपका होगा नहीं है, तो clear cut statement कि ये नहीं होगा, और A 3 वाला ही होना है, तो अब बचा क्या, A 1 A 4 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, ये D वाला भी option नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, पक्का, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, अगेन कॉलम टाइप, मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में और जो द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक मैंने जो कवर कराया है, उसमें कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स के टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमी वाले सेक्शन में इसके साइंटिफिक नेम्स के बारे में बताया था। अगर आप याद रखे होंगे तो डेफिनेटली ये बहुत आसानी से बनने वाला है। टोबैको, निकोटीना टोबैकम, सो A 3, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल, सोलेनम मीलोंगिना, यस, बिल्कुल सही। एंड वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम या ट्राइटिकम वल्गेरी, इसमें स्पीसीज चेंज है, जेनस सेम ही होगा, ट्राइटिकम वल्गेरी। ओके, अब मैंगीफेरा इंडिका किसका होता है, मैंगो। सो अब आप मैच कर लो, A का 3rd एक ही ऑप्शन में है, तो यानी कि बस कुछ सोचना ही नहीं है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। राइट आंसर इज नाउ B, क्योंकि A का 4 होगा नहीं, A 1 है, A 2 है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो आपने निकाला बिल्कुल सही निकाला, A का 3, तो A 3 वाला ऑप्शन तो एक ही है, ऑप्शन नंबर B, सो राइट आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, ये भी बताया हुआ है, NBRI, लोकेटेड इन लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13, रियरिंग ऑफ बीज इज, सारे ऑप्शंस देखते हैं 1 by 1, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द गार्डन प्लांट्स एंड कल्टिवेशन, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है रियरिंग ऑफ बीज, सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर में रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्वीकल्चर क्या है, जिसमें फॉरेस्ट की डेवलपमेंट और फॉरेस्ट प्लांट्स को हम डील करते हैं।
तो सिल्वी कल्चर भी नहीं होगा, एपी कल्चर. यस, एपी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द रियरिंग ऑफ द बीज इज कॉल्ड एपी कल्चर. सो द राइट आंसर इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, एपी कल्चर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द टर्म टैक्सॉन फॉर एनिमल कॉइन बाय. यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है. आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन को फेस करो तो बहुत केयरफुली आप पहले समझो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है. टैक्सॉन फॉर विच एनिमल और प्लांट. सो किसके लिए यूज करना है, फॉर एनिमल और प्लांट. द टर्म टैक्सॉन फॉर एनिमल, एनिमल के लिए पूछा जा रहा है आप. तो फॉर एनिमल किसके लिए पूछ रहे हैं, एनिमल के लिए. तो डेफिनेटली आंसर विल बी एडोल्फ मेयर. अगर क्वेश्चन ये रहा द टर्म टैक्सॉन फॉर एनिमल कॉइन्ड बाय, तो आंसर विल बी बी एडोल्फ मेयर. लेकिन यहीं पे क्वेश्चन चेंज करते, द टर्म टैक्सॉन फॉर प्लांट कॉइन्ड बाय, प्लांट के लिए किसने टैक्सॉन टर्म को दिया, तो आंसर इज, नाउ द आंसर विल बी एच जे लैम्ब. ये हो जाएगा, ये इन्होंने प्लांट्स के लिए दिया. बिल्कुल इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन. लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन. बहुत ही सिंपल है, सभी को आता होगा इसका आंसर. ऑप्शन इज ए, क्यू इंग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 16. फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल होते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस. राइट आंसर इज थियोफ्रास्टस. रॉयल बॉटनिकल गार्डन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पेसिमेन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 17. रॉयल बॉटनिकल गार्डन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पेसिमेन. ए 6.5 मिलियंस, बी 6 मिलियंस, सी 6.5 बिलियंस, डी 6.5 ट्रिलियंस. नाउ द आंसर इज, क्या है इसका आंसर. यस, 6.5 मिलियंस. याद रख लीजिए, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पेसिमेन. 6.5 मिलियंस. क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर इन द सेम क्लास. नाउ जैसे अभी हमने इसे पहले एक क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, काफी केयरफुली इसे हैंडल करना है. व्हेन ऑर्गेनिज्म आर इन द सेम क्लास, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम क्लास में है, ओके फाइन, बट नॉट इन द सेम फैमिली, लेकिन उसकी फैमिली सेम नहीं है, तो इसमें टैक्सोनॉमिक टर्म इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे. तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. क्लास सेम है, फैमिली डिफर है, तो इसके बीच में क्या आया, ऑर्डर आया. सो द राइट आंसर विल बी ऑर्डर. अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 19. द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर. रिलेटेड ऑर्डर, सीक्वेंस याद कीजिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. ऑर्डर, क्लास. सो द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, अगर रिलेटेड ऑर्डर को इंक्लूड कर रहा है तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्लास होगा. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. ऑर्डर रिलेटेड है. द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर को इंक्लूड कर रहा है, तो डेफिनेटली आंसर विल बी क्लास. क्वेश्चन नंबर 20. फैमिली ऑफ मैन होमो सेपियंस इज. होमो सेपियंस यानी मैन की फैमिली क्या है, होमिनिडी. होमिनिडी, राइट. क्वेश्चन नंबर 21. द वर्ड एंडिंग विद ए सी ई. मैंने अपने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब ये क्लास ले रही थी द लिविंग वर्ल्ड का, तो उसमें बताया था कि अगर एंड में ए सी ई जुड़ा हुआ है, ए सी ई ए ई, तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑर्गेनिज्म के फैमिली को इंडिकेट कर रहा है.
देखते हैं ऑप्शन क्या है. ऑप्शन ए जेनेरा, नो. ऑप्शन बी फैमिली, यस. सी ऑर्डर, डी क्लास. सो द राइट आंसर इज फैमिली. जेनेरा प्लांटरम वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. सो द राइट आंसर इज डेफिनेटली बेंथम एंड हुकर, दैट मीन्स ए. बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एग्नर एंड प्रांटल, एपी डी कैंडोल एंड नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 23. इन आवर टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. ये चार ऑप्शन आपके सामने है, किंगडम एंड क्लास, फाइलम एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड स्पीसीज, फैमिली एंड स्पीसीज. आपसे पूछा जा रहा है इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जेनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. तो जेनस सीक्वेंस याद कीजिए, स्पीसीज जेनस फैमिली. सो स्पीसीज एंड फैमिली के बीच में क्या है, जेनस है. सो द राइट आंसर इज ये होगा नहीं, किंगडम एंड क्लास बिल्कुल नहीं, फाइलम एंड ऑर्डर भी नहीं होगा, ऑर्डर एंड स्पीसीज भी नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज मस्ट बी फैमिली एंड स्पीसीज. सो द 23rd का आंसर क्या होगा, क्या होगा, फैमिली एंड स्पीसीज. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट फॉर व्हीट. व्हीट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है. तो आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, जैसे फैमिली के लिए एसी, फैमिली में किसी नेम के आगे अगर ए सी ई ए ई है तो हम समझ जाएंगे कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑर्डर में एल्स होता है. ओके लेट्स सी. और वीट का जहां तक बात है, तो वीट मोनोकोटाइलेडनस है या डाइकोटाइलेडनस, डेफिनेटली मोनोकोटाइलेडनस है क्योंकि इसमें सिंगल सीड है, ये सिंगल सीडेड प्लांट होता है. सो ये मोनोकॉट में आएगा. तो अब आप देख लो, डाइकॉट वाला ऑप्शन तो आपका पहले ऐसे ही चला गया यहाँ पे ना, क्लास डाइकोटाइलेडनी, तो ये तो होगा नहीं. तो आप इसको पहले ही स्ट्रिक कट कर दो. अब आपके पास तीन चॉइस है, ए बी सी, नो ए सी एंड डी. ए में जेनस ट्राइटिकम सही है, फैमिली एनाकार्डिएसी. एवरीबडी नोज द फैमिली ऑफ वीट इज ऑल द ग्रामिनी फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, राइट. सो पोएसी इसका फैमिली होगा. तो यानी ये तो एनाकार्डियसी जो है ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी गया. ओके नेक्स्ट, जेनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर सेपेनिडेल्स, क्लास मोनोकोटाइलेडनस. ये भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेपेनिडेल्स नहीं है, पोएल्स है. सो द राइट आंसर इज डी, Not C. Genus Triticum, Family Poaceae, Order Poales, Class Monocotyledonae. So finally, in this question, what we can see here, इसमें एक साथ आपके बहुत सारे concept को देख लिया गया कि do you know about the their family name or the order name or the class name, but for a particular plants के लिए अगर पूछा गया, कोई particular animals के लिए पूछा गया, you must remember, you must learn some plants or animals की मतलब कुछ animals और plants के आपको scientific name तो याद रखने ही होंगे. Not only scientific name, इसके साथ साथ along with their family name, order name, class name, ये भी आपको mind में रखना होगा क्योंकि ये question तो तभी solve होगा. Genus Triticum, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledonae. So the right answer is D. Question number 25. Species living in different geographical areas are called allochronic. मतलब डिफरेंट टाइम स्केल में अगर प्रेजेंट होता है तो वो अलाउक्रॉनिक होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं. अलाउपेट्रिक, या एग्जैक्टली, स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया. जब डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में स्पीसीज अगर रहते हैं तो उसे कहा जाता है एलोपेट्रिक. एलो मीन्स डिफरेंट, पैट्रिक मीन्स ज्योग्राफिकल एरिया. सो दैट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में अगर स्पीसीज हैं तो उसे हम कहेंगे एलोपेट्रिक. सिंपेट्रिक सेम ज्योग्राफिकल एरिया, सिबलिंग एवरीबडी नोस. सो द राइट आंसर इज बी, एलोपेट्रिक. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. इन मैंगिफेरा इंडिका लिन, इंडिका रेफर्स टू, वेरी सिंपल
What will be the answer? The right answer is, here indica represent the name of species, because as we know, Mangifera represent the name of genus and indica represent the species epithet. Previously I told you. So now the right answer is species. Okay. Question number 27. The term biology was introduced by. ये भी आपका पढ़ा हुआ है. आप ऑप्शन देख के इंस्टेंट आंसर कर सकते हो. Aristotle, A, B, Darwin, C, John Ray, D, Lamarck and Trevirinus. The right answer is D, Lamarck and Trevirinus. Question number 28. First book of botany, Historia Plantarum, was given by. A, Theophrastus. B, A.P. de Candolle. C, Aristotle. D, none of these. So the right answer is yes, bilkul sahi, Theophrastus. Now question number 29. The word systematics is derived from. 29 question mein pucha ja raha hai. The word systematic is derived from A, Greek word systema. B, Italic word systema. Latin word systema. English word systema. आप पढ़े हुए हैं, definitely Latin word systema से लिया गया है. So the right answer is C. Question number 30. Biological name when handwritten should necessary be. मैंने बताया था binomial nomenclature में कुछ rules Carolus Linnaeus ने बताए थे और उसी rules को हर जगह follow किया जाता है. तो biological names लिखने के जो rules हैं, जब हैंड रिटन आप लिख रहे हो तो शुड नेसेसरी बी ए अंडरलाइन बी बोल्ड सी कैपिटल लेटर डी इटैलिक डेफिनेटली अंडरलाइन करना होता है ये बताया हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 31 इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट आई थिंक नाउ एवरीबॉडी नोज बायोलॉजिकल नेम अगर हम लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का उसमें दो नेम होता है एक वन नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द जीनस एंड अनदर नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पीसीज एपिथेट सो द राइट आंसर इज जीनस एंड स्पीसीज ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32 ICBN कोड्स फॉर A. International Code for Botanical Nomenclature. B. International Code for Binomial Nomenclature. C. International Code for Botanical Naming. And D. International Code for Binomial Naming. Now, I think is आप सभी जानते हैं ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature. So, the right answer is A. A is the right answer. ICZN code for similarly international code for geological nomenclature बस कहीं कुछ देखना ही नहीं है जो right answer है वो A है question number 34 biological concept of species proposed by biological concept of species मैंने John Ernest Mayer के बारे में बताया था जॉन रेक के बारे भी कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है बट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो किसने दिया था उन्होंने बकायदा इसका एक डेफिनेशन दिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज सो मेयर 34B नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में पूछा जा रहा है यूनिसेलुलर जिसको मैंने कहां पे बताया था कहां पे डील किया था तो हमने द लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स को जब मैं बता रही थी तो उसमें कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मैंने बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का देन सेल के बारे में बताया कि सेल जो है सेल इज द बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है विदाउट एनी एक्सेप्शन जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में आपको देखने को मिलेगा सो दैट अब ये सेल
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप वन इज यूनि एंड मल्टी. इफ सिंगल सेल इज प्रेजेंट वी कॉल इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे आपसे सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर अल्गी के बारे में पूछा गया है. लेमिनारिया एंड सर्गासम ये होते हैं ब्राउन अल्गा. जिलीडियम एंड ग्रेसिलारिया ये रेड अल्गा होते हैं. एनावेना एंड वॉलबॉक्स. नाउ वॉलबॉक्स तो नहीं होगा. देन क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना. यस राइट आंसर इज क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना. ये इस बार भी पूछा हुआ है क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन इस बार भी आया है 2020 में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी. क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना. दिस इज सिंगल सेल्ड एल्गी. ओके नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर. मतलब मैंने बताया था कि जैसे जैसे स्पीसीज से लेके आप किंगडम की ओर बढ़ोगे तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं. जितने कैरेक्टर्स आपको जेनस के लेवल पे मिलेंगे उतने आपको फैमिली के लेवल पे नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि कॉमन कैरेक्टर्स क्या पूछा जा रहा है आपसे. पूछा जा रहा है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल मैक्सिमम. मैक्सिमम कहाँ पे होगा तो आप सबसे लोएस्ट को देखो पहले. जेनस, फैमिली, ऑर्डर, डिविजन. सो द राइट आंसर इज, सो द राइट आंसर इज गेस. जैसा मैंने बताया, क्या बताया, लोअर टू हायर जाएंगे, सिमिलैरिटीज घटती जाएगी. तो जो सबसे लोअर लेवल के में अगर हम देखें कैटेगरी को देखें तो वहां पे मैक्सिमम मिलेगा आपको. द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ जेनस. यस. क्वेश्चन नंबर 37. नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय अ सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर. बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. ठीक है. सो बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज. बी द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज अ स्पीसीज रिपीटेड. ये बिल्कुल सही है. द नेम्स आर रिटेन इन लैटिन एंड आर इटैलिक इटैलिसाइज्ड. बिल्कुल सही. व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड. सो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी the rule of nomenclature. So the answer, right answer is A, biological name can be written in any language. Now question number 38. Linnaeus used the title for his publication is Systema Naturae. Yes, Systema Naturae is the right answer. Question number 39. Defining feature of life forms. Defining features kya hota hai kisi bhi living organism ka. Maine bataya tha सम फीचर्स आर डिफाइनिंग फीचर्स यानी विदाउट एनी एक्सेप्शन ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा. कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा कि जिसमें वो फीचर नहीं होगा. तो यानी वो फीचर्स जो कि विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं दैट फीचर इज सेड टू बी द डिफाइनिंग फीचर. नाउ गेस. फर्स्ट ऑप्शन इज ए मेटाबॉलिज्म, बी कॉन्शियसनेस, सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बताया था. मेटाबॉलिज्म इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा. नो एनी एक्सेप्शंस प्रेजेंट देयर. कॉन्शियसनेस ये भी लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तो होता ही होता है. जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं चाहे वो सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर हो. यानी सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो यानी ऑल टू ऑल ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए. सो दीज ऑल थ्री आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. सो दैट द राइट आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग. ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी. यस आप काउंट करो स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास,
फाइलम किंगडम, फाइलम और डिवीजन। अगर प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन होगा, एनिमल के लिए फाइलम होगा, बट ओवरऑल कितना हुआ? 7 हुआ, बिल्कुल सही बात है। बी, हीकल इंट्रोड्यूस द टैक्सन फाइलम। यस एब्सोल्युटली राइट, हीकल इंट्रोड्यूस द टैक्सन फाइलम। सी, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वूज। यस दिस ऑल्सो राइट, दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। सो हियर वी कैन सी ए बी सी ऑल जो है जितने भी हैं ये तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स वाले हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑल ऑल। क्वेश्चन नंबर 41, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएट करोगे फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग से तो किस बेसिस पे करोगे, क्या होगा उसका आधार? एबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन? नहीं, क्योंकि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो ये तो उनपे फिट बैठा ही नहीं। ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, रॉक इकट्ठा होते 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 उसका ग्रोथ बढ़ जाता है तो ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, या टच टुवर्ड्स स्टिम्यूलाई सेंसेशन। सो द राइट आंसर इज रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये वो फीचर। और लास्ट भी देख लेते हैं, इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। नो, यानी वो कौन सा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। सो द राइट आंसर इज सी। 42, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक। ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड या टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, ये हमने अपने लेक्चर में बताया था, न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन आ गया फिर कॉलम वाले क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस। सो मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कपलेट, कपलेट मींस अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, लीड, ईच स्टेटमेंट, पहले इसको हम टैली कर लेते हैं। कपलेट, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। लीड, ईच स्टेटमेंट इन द की इज लीड। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। मैनुअल, स्पेशली डिजाइंड फॉर रेडी रेफरेंस। यस, उसे मैनुअल्स कहते हैं। तो आप देख लो, ए का 5 ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना बी में है तो ये तो होगा नहीं, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हुआ? कितना इजीली आप आंसर तक पहुंच गए। तो इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट चांस में ही आप देखोगे कि और कोई होगा ही नहीं, बस यही जो आपने गेस किया, जो आपने लगाया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का 5 कहीं पे नहीं प्रेजेंट है, ए 4 है, ए 1 है, ए 3 है। सो द राइट आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिफिकेशन, ये है टैक्सोनॉमी का जो मैंने मेथड बताया था, एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको उसको प्लेस करना है जिसमें आपने कैरेक्टराइज किया था, आइडेंटिफाई किया था, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तो इसको एक सिस्टमैटिक चैनल में आपको अरेंज करना है। सो नाउ स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, पहले कैरेक्टराइज करते हैं, कैरेक्टर्स के आधार पे हम सेग्रीगेट करते हैं। सो दैट द फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टराइजेशन। तो आपका ये ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ अब बी और सी में से किसी एक का सही आंसर होना है, राइट? तो फर्स्टली तो कैरेक्टराइजेशन, नो अगेन
क्लासिफिकेशन पहले दिया है, सॉरी ये भी नहीं होगा, कैरेक्टराइजेशन नहीं है. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम कैरेक्टराइज करते हैं. सो द राइट आंसर इज बी, बिकॉज किसी में भी फर्स्ट में कैरेक्टराइजेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे ही नहीं. तो कई बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करो, जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में कैरेक्टराइजेशन है, तो आप देखो फर्स्ट स्टेप कैरेक्टराइजेशन वाला ऑप्शन कौन है. अगर एक और होता तो सोच में पड़ सकते थे, 50-50% पे होते आप, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, ये नहीं होगा. सी में क्लासिफिकेशन है, ये भी नहीं होगा. डी में नॉमेनक्लेचर है, ये भी नहीं होगा. तो फर्स्टली क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन. सो कैरेक्टराइजेशन के बाद हम उसको क्या करते हैं, यानी कैरेक्टराइजेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है, उसके कुछ कैरेक्टर्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्स्टली हम उसको उसके कैरेक्टर के आधार पे सेग्रीगेट करते हैं, देन आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका नेमिंग करते हैं, और उसके बाद उसको क्लासिफाई कर देते हैं. सो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी आर, याद रखिएगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन. बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, डिफरेंट है, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सीक्वेंस फॉर दिस. सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 46, प्लांट स्पीसीज इन बोटानिकल गार्डन्स आर लेबल टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है जो लेबलिंग वहां पे होता है बोटानिकल गार्डन में. तो डेफिनेटली वहां पे इंग्लिश नेम और लोकल नेम नहीं, कलेक्टर का नेम नहीं, बॉटनिकल नेम एंड फैमिली नेम, फैमिली एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है, बॉटनिकल नेम एंड फैमिली. साइंटिफिक नेम प्लेस्ड होता है ना मेनली. प्लांट स्पीसीज इन बॉटनिकल गार्डन आर लेबल्ड टू इंडिकेट, जो लेबल्ड होता है वो इंडिकेट क्या कर रहा होता है, उसके बॉटनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम एंड फैमिली. क्वेश्चन नंबर 47, Which of the following is a defining characteristics of living organism? A. Growth, B. Ability to make sound, C. Reproduction, response to external stimuli. अभी मैंने डिस्कस किया था कि defining properties हम किसको कहते हैं, वो properties जो without any exception सारे living organism में आपको देखने को मिलेगा. Growth, नहीं, ability to make sound. आप एक पत्थर को लो, दीवार में मारो, वो भी साउंड देगा, नहीं. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हमने बताया था जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई, सेंसेशन. यस, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई इज द राइट आंसर. Defining characteristics of the living organism. इसमें जो चार options दिए हैं उसमें जो most appropriate है, जो defining characteristics features of living organism को represent कर रहा है, वो है response to external stimuli. Question number 48, phylogeny refers to. Phylogeny के बारे में हमने बताया था अपने second lecture में, जब domain concept आपको दे रही थी उसी के just बाद phylogeny का एक छोटा सा आया था concept. Phylogeny अगर आप कहीं लिखा हुआ देख रहे हो, आपके माइंड पे क्या असर आता है, क्या आप सोचते हो. फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. सो द राइट आंसर इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. यानी फाइलोजेनी का मतलब हो गया, फाइलोजेनी रेफर्स टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय इचलर, Whittaker, Egler and Prandtl, Bentham and Hooker. What do you think? I think his question ka answer sare students ko pata hai. Whittaker, in the year 1969, he proposed the five kingdom classification system. Entire organism ko unhone five different kingdom mein placed kar diya tha. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia and Kingdom प्लांसी. किंगडम मोनेरा में ऑल टू ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स. किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स को रखा गया.
किंगडम फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स को रखा गया, एक एक्सेप्शन था, याद होगा? यस, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस इज ईस्ट. ओके, वेल डन. एंड नाउ किंगडम प्लांसी, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर. किंगडम एनिमलिया, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स. ओके, सो विटेकर का जो ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये यही था जिसको किसने दिया था. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय विटेकर इन द ईयर 1969. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ए विल डिक्रीज, बी विल इंक्रीज, सी रिमेन सेम, डी मे इंक्रीज और डिक्रीज. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या है. जैसे जैसे हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम देखते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में देखते हैं, लोअर टू हायर हम मूव कर रहे हैं, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे जैसे लोअर टू हायर आप मूव करोगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करते चले जाते हैं, वो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करते चले जाते हैं. सो द राइट आंसर इज ए विल डिक्रीज. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एमसीक्यूज वाला सेशन एंड होता है. कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये क्वेश्चन का सेशन? तो डेफिनेटली अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल भी कीजिए. फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. टिल देन बाय.